वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एंड लर्निंग क्लासेस आज हम आपका आई सी एम आर टू थाउजेंड नाइनटीन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियसली हमने वन थर्टी टू वन थर्टी सिक्स क्वेश्चन सोल्व करे थे आप पार्ट वन के अंदर देख सकते हैं सो आज हम कुछ क्वेश्चन और सोल्व करने वाले हैं आई से रिलेटेड तो वन थर्टी सेवन क्वेश्चन है दोग्राफिक पीरियड ऑफ मिजोइ एरा इज करेक्टराइज बाय जो जोग्राफिक जो पीरियड है आपका मीजोइ एरा का वो किससे करेक्टराइज होता है तो अगर आपको पीरियड याद होगा ठीक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल याद होगी तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजली कर सकते हैं क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन था और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था ये तो उसमें जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है कि जिमनोसपम उस टाइम पर डोमिनेट

सो so बेसिकली जो थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स होते हैं ये मॉडिफाइड फॉर्म्स होती हैं आपके इंसेक्ट हार्मोन की जिसकी वजह से आपके जो इंसेक्ट्स हैं उनका जो लार्वा है वो डेवलप नहीं हो पाता है इसका ही एक एग्जाम्पल है आपका जुवेनाइल हार्मोन, ठीक है जो कि एनालॉग होता है आपका मिथोप्रीन हाइड्रोप्रीन एंड फिनॉक्सिक क्रैप का ठीक है जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है वो तो किल नहीं होता है लेकिन जो डेवलपमेंट है लार्विका वो वहाँ पे उसको प्रिवेंट कर देता है जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है इंसेक्ट की ठीक है तो ये होता है आपका थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट यूनेलाइज हॉर्मोन ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट विद द पोलर दोलर न्यूक्क इज नोन एज जो फ्यूजन होता है मेल गैमिट का पोलर न्यूक्साइड न्यूक्लियाई एम्ब्रियोसेक के साथ, साथ उसको हम क्या है? हम बोलते हैं उसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं ओके नेक्स्ट है वन फोर्टी टू इन एफ टू जनरेशन ऑफ ए मैंडेलियन डाई हाइब्रिड द नंबर ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप्स आर अगर आपका एफ टू जनरेशन याद है डाई हाइब्रिड क्रोज याद है जिसमें जो फिनोटाइपिक रिशो होता है वो नाइन रिशो वन होता है।

वाला जो कॉन्सेप्ट है उसकी जितने भी क्रॉस है मोनो हाइब्रिड क्रॉस है डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो उसको आप अच्छे से कर लेना क्योंकि वहाँ से टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ठीक है जीनोटीपी ग्रेशो फिनोटिपिक रेशो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो 142 का आपका ऑप्शन नंबर हो गया सेकंड करेक्ट क्योंकि जीनोटिप जीनोटाइप्स कितने हैं नाइन है और फिनोटाइप्स कितने आपके फोर ठीक है थीके? अब नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द प्लांट इंट्रोड्यूस फ्रॉम न्यू वर्ल्ड टू ओल्ड बेसिकली 143 फोर्टी थ्री क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है आपका कोलम्बियन एक्सचेंज से जो कि ग्लोबली सप्लाई करता है एग्रीकल्चर गुड्स को तो जो स्पीसीज आपकी प्रीवियसली अनोन जो ओल्ड वर्ल्ड की हैं ठीक है थीके? जैसे कि आपके पोटैटो स्वीट पोटैटोज मेज कसावा इनकी कैलोरी को न्यूट्रिशन वैल्यू को इम्प्रूव करके प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज के अंदर उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका इसमें पोटैटोस ठीक है तो पोटैटोस मेनली सिग्निफिकेंट ही है जो कि आज की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए और अर्बेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पोटैटोस है जो कि प्लांट इंट्रोड्यूस किए गए हैं न्यू वर्ल्ड टू तो ओल्ड वर्ल्ड ठीक है अब आता है 144 क्वेश्चन मेनली 144 क्वेश्चन के अंदर बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉज बाय फंगस ठीक है कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि फंगस से कॉज की जाती है तो मेनली इसका आंसर है आपका थर्ड पाउडरी मिल्डो ठीक है देखो जो आपका सिट्रस कैंकर है ये बैक्टीरियल डिजीज है जेंथोमोनास एक्जोनोपोडिज के थ्रू होती है ठीक है सिट्रस फ्रूट्स के अंदर होती है देन फर्स्ट वाली जो है वो फाइटो प्लाज्मा के थ्रू होती है सेकेंड क्रोन गोल्ड डिजीज जो है वो भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है एग्रोमैटियम ट्यूबी फैसन के थ्रू होती है तो ऑप्शन नंबर सी जो है पाउडरी मिल दो वो एक फंगल डिजीज़ होती है ठीक है देन वन फोर्टी फाइव क्वेश्चन है एलिसिटर्स आर मोलिक्यूल्स दैट स्टूमलेट डिफेंस रिस्पॉन्स इन द्लान्टो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट देन व्यूमन गैस लार्ज कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथेन इन द प्रोडक्शन ऑफ किसके प्रोडक्शन जो ह्यूमन गैस है लार्जरी किसके मतलब जो इनका प्रोडक्शन है वो कितना रहता है ठीक है तो इनका जो रेशियो है वो मेनली आपका सिक्सटी फाइव टू थर्टी फाइव रहता है ओके नेक्स्ट वन है वन फोर्टी सेवन ट्यूबर क्लोसिस आर परमिनेट इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ट्रैदर देन इन रेस्पायरेटिव ट्रैक्ट देखो ट्यूबर क्लोसिस के जो रीजनस है वो आपके मेनली मेनली अगर आप ऑप्शन देखें तो पोल्ट्री पोल्ट्री uh, के अंदर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक में रेदर देन रेस्पायरेटिव ट्रैक ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 148 फोर्टी एट कैनल कफ इन डॉग्स देखो कैनल कफ जो होती है जो कैनल कफ डिजीज है डॉग्स के अंदर वो मेनली uh, क्या करती है देखो कैनल कफ भी क्या है डॉग्स के जैसे हमारे अंदर भी जब कफ कोल्ड या कफ होता है तो हमें भी डिफरेंट तरह की जो स्पीसीज हैं वायरस की वो इन्फेक्ट करती हैं ठीक है थीके? तो ऐसी कैनल कव भी है जो कि आपके डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल के कॉज करते हैं तो इसको हम मेनली जो कॉज होता है ये बॉडी टेला ब्रोन ब्रोन की स्पेक्टिका के थ्रू होता है ठीक है देन 149 क्वेश्चन है द योग सेक रूट इनोकुलेशन शुड बी डन ऑन देखो योग सेक का रूट इनोकुलेशन इससे पूछा गया है तो मेनली अगर आप बात करोगे देखो यहाँ पे कोई चिकन या किसी भी एनिमल का नहीं पूछा है ठीक है तो मेनली अगर आप बात करते हो तो चिकन के एग्स में तो फोर्टीन सिक्सटीन डेज ओल्ड फर्टाइल एग्स होते हैं ठीक है और अगर हम इससे भी आगे की बात करें आपके टर्की एंड डक्स के अंदर उसमें एटीन टू ट्वेंटी टू डेज से रखे हैं तो ऑप्शन में एटीन टू ट्वेंटी डेज तो है ही नहीं ठीक है तो एनिमल वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ से हट ही जाता है तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है द नेक्स्ट वन है वन फिफ्टी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्यूपेशन जूनोटिक डिजीज़ ओके इसमें ऑक्यूपेशन नॉट पूछा गया है ठीक है तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका प्लाक होगा ओके नोट पूछा गया है ना देखो नोट पूछा गया है देखो जितनी भी आपके डिजीज है ब्रूसेला एंथ्रेक्स एंड सेलिमिनोसिस ये मेनली क्या होती है ऑक्यूपेशन जूनोटिक डिजीज होती हैं ऑक्यूपेशन यानी कि जहाँ पे आप काम करते हो जूनोटिक यानी कि आप जब इन्फेक् मतलब एनिमल्स ठीक है तो जब भी आप इन्फेक्टेड एनिमल्स अपने काम की प्लेस में इन्फेक्टेड एनिमल्स के कॉन्टेक्ट में आओगे तो उसके थ्रू इन्फेक्शन फैलना जो मतलब इन्फेक्शन की जो फैलने की ताकत है या फिर बहुत जल्दी से इन्फेक्शन जो होता है वो फैल जाता है ठीक है तो इसमें जो प्लाक है वो ऑक्यूपेशन जूनोटिक डिजीज नहीं है अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे तो आपको एक बहुत लंबी सी लिस्ट मिल जाएगी आराम से जिसमें आपके ऑक्यूपेशन जूनोटिक डिजीज़ दे रखी हैं तो उसमें प्लाक आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा ब्रूसेलिसिस एंथ्रेक्स एंड सेलेमोलिसिस आपका परसेंट है ठीक है तो आई होप सो आपके आपको लेसन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्योंकि मैंने डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बेसिक्स का भी एक पार्ट बनाया है अभी नेक्स्ट पार्ट भी रिलीज होने वाला है आप सभी उसको भी जाके देखिए और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें साइन लर्निंग क्लासेस को शेयर कर दिया करो लाइक भी करके जरूर जाया करो सो थैंक यू टू ऑल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ